हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 10 मिड कैप ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे स्टॉक इस वीडियो में आप लोगों के लिए यहां पर मेंशन किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं KEC इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, KEC इंटरनेशनल क्या काम करती है कंपनी वो भी बताया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, गिरते मार्केट में भी ये प्रॉफिट में है कंपनी। अगर हम इसका प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं 25% का रिटर्न, मतलब कि दोस्तों क्या किया है, रिकवरी लिया है विद इन ए मंथ। अब ये कंपनी काम क्या करती है यहाँ पर देख लीजिए, बता रहा है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोजेक्ट। मतलब कि दोस्तों ये यूटिलिटी प्रोजेक्ट में काम करती है। आप देख सकते हो आपके घर के आसपास या कहीं पे आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो ये कंपनी काम करती है। अगर यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इस कंपनी को क्यों खरीदना, पहली बात प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है दोस्तों, ठीक है। प्राइस टेकर नहीं लेकिन प्राइस मेकर कंपनी है। अगर देखते हो तो 360 रुपीज़ का स्टॉक, केवल 360 रुपीज़ का स्टॉक यहाँ देख सकते हो 160 रुपीज़ के आसपास गया था और रिकवरी लेना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, ये 200 रुपीज़ के आसपास जाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ना हो कि कंपनी हमारे हाथ से निकल जाए। और दूसरा जो कंपनी है दोस्तों वो है रिलैक्सो फूडवेयर, ठीक है। ये कंपनी मार्केट लीडर है, इसको अगर आपने नहीं खरीदा तो बार बार पछताओगे। यहाँ 1 ईयर में देख लेते हैं दोस्तों, 36% का पॉजिटिव रिटर्न है और यहाँ -3% है, वो भी कोरोना की वजह से, केवल कोरोना की वजह से। क्योंकि आप देख सकते हो लॉकडाउन की वजह से कोई भी शॉप ओपन नहीं था, कोई भी शॉप ओपन नहीं था, इसलिए इसका सेल्स में डिक्रीज हुआ। अब कंपनी काम क्या, अब सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट दिखा देता हूं कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं लगता कि बजाज या HDFC जैसे जो है बहुत अच्छे अच्छे कंपनी आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे, क्योंकि ये एक मार्केट लीडर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 10 सालों में 3865, मतलब कि 4000 के आसपास ये प्रॉफिट दिया ये 10 सालों में। अगर इसका 15 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई है, मुझे लगता है 14000 के आसपास है ये कंपनी का प्रॉफिट है। और आप इनका एडवर्टाइजमेंट, कंपनी काम क्या करती है तो आपको पता ही है, ठीक है। रिलैक्सो फूडवेयर देखिए, ये हमारे इंडस्ट्री के जाने माने बहुत, यहाँ देख सकते हैं अक्षय कुमार है, उनके बाद यहाँ पर देखिए इनको भी आप पहचानते हो, उनके बाद सल्लू भाई को भी आप पहचानते हो। तो जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं यहाँ पर आते हैं इस कंपनी के लिए एडवर्टाइज करने के लिए। कंपनी क्या बनाती है, शुद्ध हिंदी में बोले तो फूडवेयर है, ठीक है। आप यहाँ पर एक चप्पल की दुकान है दोस्तों, और बहुत अच्छा अगर आप देखोगे कंपनी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, रिलैक्सो फूडवेयर इज ए मार्केट लीडर इन फूडवेयर इंडस्ट्री। देखिए मार्केट का लीडर है तभी तो दोस्तों सब इनके प्रोडक्ट को आ रहे हैं और एडवर्टाइज कर रहे हैं, तभी तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। और कंपनी का मैंने आपको प्रॉफिट भी दिखाया कि कैसा प्रॉफिट है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये है महानगर गैस। देखिए महानगर गैस की कंपनी जो है, और ये जो कंपनी है यहाँ पर देख सकते हैं, महानगर गैस लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CGD, ठीक है। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड है और ये सप्लाई क्या करती है दोस्तों, नेचुरल गैस इन द सिटी ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई। तो कंपनी यहाँ पर मुंबई में गैस भी सप्लाई करती है, और कंपनी को यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं, ये कंपनी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो निफ्टी 50 के कंपनी नहीं कर सकते दोस्तों, वो ये अकेला कर दे रहा। यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 24% के आसपास है, और जो अच्छे दिग्गज कंपनी है बड़े बड़े वो आपको अराउंड 22% के आसपास ही देंगे, और ये कंपनी आपको 24% के आसपास दे रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी इज ए वर्चुअली डेट फ्री कंपनी, यहाँ पर डेट फ्री है। और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट 41.05%, 41% के आसपास आपको जो है डिविडेंड भी दे रही है। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी है और आपको डिविडेंड भी दे रही है और लॉस भी नहीं दे रही है। और ये आपका ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले कुछ ऐसी कंपनी है जो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन ये वो कंपनी है जो डायरेक्ट 500 रुपीज़ के आसपास स्टार्ट हुआ था और आज के डेट में आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ के लेवल को टच करके ऊपर भी गया था, और फिर ये बिलो 1000 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पर जब दोस्तों ये डबल बॉटम चार्ट बना देगा तो ये स्टॉक हमारे हाथ में नहीं आ पाएगा। तो ये स्टॉक के ऊपर भी आप जरूर फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद है जेके सीमेंट। आपको पता है जब तक इंडस्ट्री बंद थी तब तक काम बंद था, लेकिन अभी अगर आप देखना चाहते हो नाउ तो सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और जेके सीमेंट ऐसी एक कंपनी है जो गिरते मार्केट में अपने आप को संभाला है, अपने आप
आपको संभाला। यहाँ पर देख लीजिए ये 1001 ये जो स्टॉक है 1000 के लेवल को आसपास ये ट्रेड करता था, 1000 के लेवल को, और ये 1500 के लेवल को टच किया था। उसके बाद देखिए 1000 के आसपास ये लेवल बनाया था, 1000 के आसपास, और ये दोस्तों अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया था। यहाँ पर देखिए पहले 2018 में देखते हैं तो ये मतलब 15 या 20 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था, आज के रेट में तो 1500 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ चार्ट में, देखिए 800 के आसपास लोएस्ट गया था और 1500 के आसपास हाईएस्ट गया था, आज के रेट में 1000 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी ये जो है लॉकडाउन ओपन होने से पहले ये कंपनी अपने आप को रिकवर कर ली और इसका इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, तो आपको नहीं लगता ये कंपनी आउट परफॉर्म करेगी? तो ये कंपनी भी अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए सीमेंट का डिमांड कभी भी डिक्रीज नहीं होता, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेगा तो 4% सीमेंट का डिमांड हर साल इंक्रीज होता है, ईयर ऑन ईयर हर साल 4% सीमेंट का डिमांड इंक्रीज होता है। तो देखिए सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपको आउट परफॉर्म करके दिखा सकता है बहुत ज़्यादा, और आउट परफॉर्म करके दिखा सकता है जेके सीमेंट। अगर देख सकते हैं जेके सीमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो देखते हैं तो यहाँ पर 28% का रिटर्न है आपको 1 ईयर में, 12% का रिटर्न है आपको 1 मंथ में। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, और ये आपको जो है सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं करेंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब कि जो करेंट प्राइस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू होता क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बिजनेस है उसका एक शेयर प्राइस, रियल शेयर प्राइस क्या है वो होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया जेके सीमेंट का पीर कंपनी, मतलब कि उसी से रिलेटेड, ठीक है, उसी से रिलेटेड मान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट भी सीमेंट बनाती है, श्री सीमेंट भी सीमेंट बनाती है, अंबुजा सीमेंट भी सीमेंट बनाती है, लेकिन यहाँ देख सकते हो 1 ईयर में कितना है, 26% का माइनस रिटर्न है। यहाँ पर भी श्री सीमेंट में भी है, और उसके बाद अगर यहाँ पर देख लेते हैं अंबुजा सीमेंट भी 20% का नेगेटिव रिटर्न है, और ये भी देख लीजिए 44%, ये भी देख लीजिए 27%। तो ये कंपनी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देख लीजिए 1 ईयर में आपको 28%। तो यहाँ पर मैं जो भी कंपनी आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे तरफ से बेस्ट है, और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि हाँ आपको अच्छी अच्छी कंपनी दिखा पाऊँ। अगर आपको इसमें से कोई भी कंपनी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी में से खरीदना है, ठीक है। अगर हम इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं कंडीशन, तो कंपनी ये देखिए प्रॉफिट आपको डार्क में दिखाएगा। 2016 में ये कंपनी 0.05 के आसपास थी, आज के डेट में देखते हो 2019 में तो 0.26 के आसपास है। तो देख सकते हो कहाँ 5 और कहाँ 26, तो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है और ये अपर साइड ही जा रही है, डाउन साइड नहीं जाने वाली है ये कंपनी अगर हम हिसाब से देखते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएल, ठीक है। यूपीएल एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन में है ये कंपनी। यूपीएल लिमिटेड प्रोवाइड क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, ठीक है, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो एग्री केमिकल इंडस्ट्री में ये इन्वॉल्व है, और ये ऐसी कंपनी है कि एग्रीकल्चर के हेल्प करती है। कल को अगर लॉकडाउन बढ़ भी जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। अब इसलिए क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर हम देखते हैं इसने लोएस्ट बनाया था, यहाँ पर देख लीजिए 250 के आसपास इसने लोएस्ट बनाया था, और हाईएस्ट बनाया अभी मई में इसी मंथ के आसपास, यहाँ पर देख लीजिए 425 रुपीज़ का हाईएस्ट बनाया। तो देख सकते हैं पैसा डबल करने के मामले में ये कंपनी आ रहा है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में जो अच्छे अच्छे स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, मैंने वो स्टॉक लाने की कोशिश की है आप लोगों के सामने। मैं अपने हिसाब से कोई भी घटिया स्टॉक आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, फिर भी अगर कोई मान लेते कि ख़राब है तो आप वहाँ से हटा सकते हो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कॉमेंट करके बताते हैं ये सही नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पैसा डबल करने के मामले में ये कंपनी जा रहा, तो आप ऐसी कंपनी पर फोकस रखेगा तो आपका अच्छा से अच्छा पैसा बनेगा। अब ये है जुबिलेंट लाइफ साइंस, ठीक है, जुबिलेंट लाइफ साइंस कंपनी, थोड़ा सा प्रॉब्लम इस कंपनी में, फिर भी देख लेते हैं कंपनी आज के रेट में देख सकते हैं हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन फिर भी यहां जो नेट सेल्स है और नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों यहां पर देख सकते हैं 22% का जो है नेगेटिव नेट प्रॉफिट है इसका, और उसके बाद नेट सेल्स यहाँ पर देख लीजिए 1.61% का नेगेटिव है। तो इसमें अगर इस कंपनी को हमने क्यों इंक्लूड किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी है इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे है। इंट्रेंसिक वैल्यू मैंने आपको बताया जो रियल प्राइस होता है, मान लेते हैं कि आपने एक पेन खरीदा जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है, अगर वही दुकानदार आपको बोलता है कि भाई मैं आपको 6 रुपीज़ में दूंगा तो आप ले लोगे, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, सस्ते प्राइस में। उसी तरह यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है आपको डार्क ब्लू में इंट्रेंसिक वैल्यू, और ये बताया जा रहा है बुक वैल्यू, और यहाँ रेड में आपको बताया जा रहा है मार्केट प्राइस, यहाँ पर मार्केट प्राइस आपको बताया जा रहा है, ठीक है।
तो अगर कंपनी का हम देख लेते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, जब इसका दोस्तों देख लीजिए 1200 के आसपास था, 1200 के आसपास था तब ये स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं 800 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था। आज के डेट में अगर इसका इंट्रेंसिक वैल्यू देख लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 1000 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर देख लीजिए 400 रुपीज़ के आसपास है। तो ये एक हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए हमें उसी स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो नीचे से नीचे लेवल पर गिर चुका है और अच्छी कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से था, बाकी आप भी एक बार चेक करो जिसमें आपको पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है करके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, कुछ एक दो कंपनी बच गए हैं, तो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी बता दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से आप लोग नहीं देखते हो, तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा, कुछ जो मैंने स्टॉक बताया वो अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक करके इनक्रेज कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़, डिस्क्रिप्शन में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम हो रहा है या कोई और समस्या है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। अगर आप वहां से ओपन करते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज और सपोर्ट दिया जाएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।